द विजर्ड ऑफ ओज। ये मूवी अपने समय की सबसे यादगार मूवी है और इसका कारण है इस मूवी में किए गए स्पेशल इफेक्ट, मेकअप, सिनेमाटोग्राफी, और आज हम इसी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस से होती है और हमें डोरथी को दिखाया जाता है जो 11 साल की छोटी बच्ची होती है और अपने प्यारे से डॉग टोटो, अंकल हेनरी और आंट एम के साथ रहती है। अंकल हेनरी का एक फार्म होता है जिसमें 3 वर्कर्स काम करते हैं। बदले में उन्हें पैसे नहीं बल्कि उन्हें रहने की जगह और खाना मिलता है। यहाँ तक तो सब ठीक होता है, लेकिन फिर उनके पड़ोस में एक नई नेबर आती है, मिसेस ग्लच, जो कि डोरथी के कुत्ते टोटो को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे शेरिफ के पास भिजवाना चाहती है। तो ये थे कैरेक्टर्स के बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि डोरथी काफी घबराई हुई है क्योंकि टोटो ने उनके नेबर मिस ग्लच को काट लिया है। फिर मिस ग्लच डोरथी के अंकल और आंट से मिलने आती है और टोटो की शिकायत करके उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वह उसे शेरिफ को दे सके। डोरथी के मना करने के बावजूद मिसेस ग्लच टोटो को ले जाती है। अब हम देखते हैं कि जब मिसेस ग्लच टोटो को ले जा रही होती है तभी टोटो वहां से भाग जाता है और डोरथी के पास पहुंचता है। डोरथी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे डर भी होता है कहीं उसके अंकल और आंट टोटो को मिसेस ग्लच को ना दे दे, तो इसलिए वह टोटो के साथ कहीं और भाग जाती है। लेकिन फिर बीच रास्ते में उसे प्रोफेसर मार्वल की कैब दिखती है जिसमें लिखा रहता है कि वह भविष्य, भूत और वर्तमान देख सकते हैं। डोरथी उस कैब के अंदर जाती है जहाँ पर उसे प्रोफेसर मार्वल दिखते हैं। प्रोफेसर मार्वल की बातों से हमें पता चलता है कि वह एक मैजिशियन है और वे डोरथी को एक ग्लास के जरिए दिखाते हैं कि आंट एम उसके लिए बहुत परेशान है। इतना देखकर डोरथी अपने घर वापस लौट जाती है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। डोरथी उस तूफान से बचने के लिए अपने घर में छुप जाती है, लेकिन फिर उस घर में सिर्फ डोरथी और उसके डॉग के अलावा कोई और नहीं होता क्योंकि बाकी सब उसके घर के पास एक शेड में छुपे होते हैं। फिर तभी डोरथी का घर उस तूफान के जरिए उड़ने लगता है और आसमान में पहुंच जाता है। डोरथी वहां पर बहुत सारी चीजों को उड़ता देखती है जैसे चुड़ैल, जादूगरनियां और परनियां। फिर तभी डोरथी का घर उड़ते उड़ते नीचे आ जाता है जिससे डोरथी को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। और जब वह अपने बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखती है तो अब वह एक नई दुनिया में होती है और यहीं से ये फिल्म कलरफुल हो जाती है। खैर, डोरथी देखती है कि जिस जगह वह है वो जगह काफी खूबसूरत है। फिर तभी हम एक बड़े से गोले को डोरथी के पास आते हुए देख पाते हैं और वह विशाल सा गोला एक एंजल यानी परी में बदल जाता है। वह परी डोरथी को बताती है कि तुमने ईस्ट की बुरी चुड़ैल को मार गिराया है, यानी तुम ही वह फरिश्ता हो। फिर तभी डोरथी देखती है कि असल में उसका उड़ता हुआ घर उस चुड़ैल के ऊपर गिर गया जिस वजह से वह चुड़ैल मर गई। और तभी वह एंजल सभी मंगचिंग्स के निवासियों को बाहर निकल कर जश्न मनाने के लिए कहती है। जी हाँ, इस जगह का नाम मंचकिंग्स है। तो खैर, मंचकिंग्स के निवासी बौने होते हैं, वे डांस करते हैं और जश्न मनाते हैं कि तभी वहाँ पर एक दुष्ट चुड़ैल प्रकट होती है। ये चुड़ैल विच ऑफ द ईस्ट की बहन विच ऑफ द वेस्ट होती है। और अगर आप गौर करें तो विच ऑफ द वेस्ट का चेहरा डोरथी के नेबर मिस ग्लच से काफी मिलता है। तो विच ऑफ द वेस्ट अपनी बहन की ये हालत देख कर डोरथी को डराती है, लेकिन ग्लिंडा जो कि वो एंजल होती है वे उस चुड़ैल को कहती है कि तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ पर काम नहीं करेंगी, तो इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सिस्टर की तरह कोई घर आ गिरे। तो वह चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है, मगर जाने से पहले वह अपनी बहन के वो स्लीपर ले जाना चाहती थी जिसमें उसकी बहन की सारी शक्तियाँ थी। मगर ग्लिंडा अपने जादू से पहले ही वह स्लीपर डोरथी को पहना चुकी थी, तो वह चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये गलत है, उसकी बहन की मृत्यु के बाद उसकी सारी चीजें उसकी हैं। लेकिन ग्लिंडा कहती है उस दुष्ट चुड़ैल को हराने के बाद कानूनी रूप से वो स्लीपर डोरथी के हो गए हैं। और ये सुनकर वह दुष्ट चुड़ैल भड़क जाती है और डोरथी को ये धमकी देकर जाती है कि वह उसे और उसके कुत्ते को नहीं छोड़ेगी। अब दुष्ट चुड़ैल के जाने के तुरंत बाद ही डोरथी कहती है कि वह अपने घर जाना चाहती है, अपनी आंट एम के पास, जो कि उसके घर से चले जाने के बाद बहुत परेशान और बीमार हो गई है। तो ग्लिंडा उसे एक सुझाव देती है, वे कहती है कि उसे ओज के सबसे बड़े जादूगर से मिलना चाहिए जो कि अमरलैंड सिटी में रहते हैं, और अमरलैंड सिटी का रास्ता तुम्हें येलो ब्रिक रोड को फॉलो करके पता चल जाएगा। तो अब डोरथी टोटो के साथ अपने सफर में द ग्रेट ऑफ ओज से मिलने निकल जाती है। रास्ते में उसे एक स्केयरक्रो दिखता है, वह स्केयरक्रो डोरथी से बात करता है और उसे ऊक से निकालने को कहता है। डोरथी ऐसा ही करती है और स्केयरक्रो आजाद हो जाता है। स्केयरक्रो आजाद होने के बाद डोरथी को डराने की बेकार कोशिश करता है और वे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें डराया, तो डोरथी कहती है कि नहीं।
इतने में ही एक कौवा स्केयरक्रो के ऊपर बैठ जाता है। स्केयरक्रो बताता है कि इवन इस जगह का कोई कौवा भी उसे नहीं डरता, जिस वजह से उसकी फसल खराब हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसके अंदर दिमाग नहीं। तो डोरथी पूछती है कि अगर तुम्हारे अंदर ब्रेन होता तो तुम क्या करते। फिर स्केयरक्रो एक गाने के जरिए बताता है कि अगर उसके अंदर ब्रेन होता तो वह अपने बगीचों के फ्लावर और होने वाले बारिश के मजे लेता। तो डोरथी भी उसे अपने साथ ओज के मैजिशियन की तरफ जाने का सुझाव देती है, जिससे वह अपने लिए द ग्रेट ओज से एक दिमाग मांग सके। फिर स्केयरक्रो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और उन तीनों का सफर शुरू हो जाता है। तभी रास्ते में डोरथी को कुछ पेड़ दिखते हैं। डोरथी बहुत भूखी होती है, वह एक एप्पल तोड़ लेती है, लेकिन तभी वह पेड़ उसे डांटकर अपने एप्पल वापस ले लेता है और उन्हें भगा देता है। फिर स्केयरक्रो उस पेड़ को अपना चेहरा बिगाड़ने को कहता है, तो वह पेड़ कुछ एप्पल गिराता है। जब डोरथी उन एप्पल को कलेक्ट कर रही होती है, तभी डोरथी को टिन मैन दिखता है, जिसकी बॉडी पूरी तरीके से अकड़ी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत तेज बारिश होने की वजह से उस टिन मैन के अंदर जंग लग गई। स्केयरक्रो और डोरथी मिलकर उस टिन मैन को ठीक करते हैं। वो टिन मैन भी डोरथी और स्केयरक्रो की तरह एक हार्ट चाहता था, जो उसके सीने में धड़कता रहे, और ये चीज वह उन्हें गाने के जरिए बताता है। डोरथी उसे भी अपने साथ ओस से मिलने का सुझाव देती है। फिर वे चारों यानी डोरथी, टोटो, स्केयरक्रो और टिन मैन एक साथ उस येलो ब्रिक रोड के आगे चल रहे होते हैं कि तभी बीच में उन्हें वो दुष्चुड़ैल दिखती है। उसे देखते ही स्केयरक्रो और टिन मैन डर जाते हैं। वे दुष्चुड़ैल उन दोनों को डोरथी से दूर रहने की धमकी देकर वहां से चली जाती है। दुष्चुड़ैल के जाते ही स्केयरक्रो कहता है कि वह उसे नहीं डरता, बस एक बार उसके पास दिमाग आ जाए फिर वह उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेगा। अब आगे वे चारों अपने सफर को जारी रखते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक शेर से होती है, जो काफी डरपोक होता है। यहाँ तक कि दूर दूर से बाकी एनिमल्स भी बस उसका मजाक उड़ाने यहाँ पर आते हैं। तो वह भी डोरथी और बाकी सबके साथ ओस से मिलने निकल पड़ता है, ताकि वह ओस से करेज यानी बहादुरी मांग सके। अगर आपने फिर से गौर किया हो तो स्केयरक्रो, टिन मैन और वो लायन का चेहरा उनके अंकल हेनरी के फार्म में काम करने वाले वर्कर्स से काफी मिलता है। तो खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह दुष्चुड़ैल उन सब पर नजर रखी हुई है। वह अपने जादू से उनके आने वाले रास्ते के फूलों में नींद की दवाई मिला देती है। फिर जब डोरथी और उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं, तो उनके सामने अम्बरलैंड सिटी होता है, जहाँ पर वह सभी उन फ्लावर के बीच से गुजरते हैं। तभी लायन और डोरथी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि वो ही दोनों ऐसे होते हैं जो स्मेल कर सकते हैं। स्केयरक्रो और टिन मैन हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन फिर वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है, जिस कारण से उन फ्लावर की स्मेल का असर कम हो जाता है और वो दोनों जाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दुष्चुड़ैल गुस्से में कहती है कि किसी न किसी तरह से वह लोग प्रॉब्लम से बच निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह सब अब अम्बरलैंड सिटी में पहुंच चुके होते हैं। अम्बरलैंड सिटी बिल्कुल हरा भरा होता है। तभी अम्बरलैंड सिटी के द्वार में उन्हें एक गार्ड रोकता है। डोरथी बताती है कि वह लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक नॉर्थ से आए हैं। वो गार्ड उन्हें ये प्रूफ करने को कहता है, तो डोरथी उसे अपने स्लीपर्स दिखाती है। फिर वो गार्ड उन्हें अंदर आने देता है। अंदर उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है, जिसके बाद उन्हें ओज से मिलने भेजा जाता है। ओज उनके सामने एक डरावने मॉन्स्टर के रूप में प्रकट होता है। वे सब ओज को देख के डर जाते हैं। ओज उन्हें कुछ कहने को भी नहीं देता और न ही वह उनकी विशेष पूरी करता है, बल्कि वह उन्हें खुद को साबित करने के लिए उस दुष्चुड़ैल की जादुई छड़ी को लाने को कहता है। इसके बाद ही वह उनकी इच्छा पूरी करेगा, ये कहकर ओज उन सबको भगा देता है। वह सब ओज से डरते हुए अम्बरलैंड सिटी से निकलकर उस दुष्चुड़ैल के जंगल की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी वह दुष्चुड़ैल अपने उड़ने वाले बंदरों से टोटो और डोरथी को अगवा कर लेती है। अब लायन, स्केयरक्रो और टिन मैन बहुत डरे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह दुष्चुड़ैल टोटो को एक बास्केट में रखकर उसे तालाब में डुबाने की डोरथी को धमकी देती है, अगर उसने अपने स्लीपर्स को उसे नहीं दिया। लेकिन डोरथी राजी हो जाती है, पर जब वह चुड़ैल उस स्लीपर को उतारती है तो उसे एक जोर का झटका लगता है, और इतने में ही टोटो उस बास्केट से निकलकर भाग जाता है। अब वो चुड़ैल डोरथी पर गुस्सा होती है और उसके सामने एक सैंट क्लॉक रख देती है। वे कहती है कि अगर उसने सैंट क्लॉक के खत्म होने से पहले उसे वो स्लीपर नहीं दिए तो वह उसकी जान ले लेगी। मगर डोरथी उसे वह स्लीपर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे ग्लिंडा ने मना किया होता है।
अब डोरथी वहाँ रहकर अपनी आंट एम की हालत के बारे में सोचने लगती है। अगर वह वापस नहीं लौटी तो उसकी आंट एम की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ स्कैरक्रो, टिन मैन और लायन टोटो से मिलकर दुष्ट चुड़ैल के कासल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वे लोग कुछ मंकीज को बेवकूफ बनाकर उनके कपड़े हथियाकर कैसल के अंदर जाते हैं। कैसल के अंदर वे लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर डोरथी होती है। वे लोग मिलकर डोरथी को वहाँ से निकालकर भगा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि असल में ये सब उस चुड़ैल की चाल थी। वे उन्हें फंसाना चाहती थी और वे फंस चुके होते हैं, लेकिन वे लोग वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ भागते हैं। मगर फिर उन्हें वो चुड़ैल पकड़ लेती है और उस स्कैरक्रो के ऊपर आग लगा देती है। फिर जब डोरथी उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, तभी पानी के कुछ छींटे उस चुड़ैल पर पड़ते हैं, जिससे वह चुड़ैल पिघलने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस चुड़ैल को पानी से एलर्जी होती है। इसका मतलब पानी उस चुड़ैल की कमजोरी थी। उस चुड़ैल के खत्म हो जाने के बाद चुड़ैल के सेवक उसकी जादुई छड़ी डोरथी को दे देते हैं। फिर डोरथी और बाकी सब ओस के पास वो जादुई छड़ी लेकर पहुँचते हैं, मगर ओस उन्हें कल आने को कहता है और ये सुनकर डोरथी और उसके साथी गुस्सा होते हैं। डोरथी कहती है कि अगर आप सच में महान जादूगर हैं तो आपको अपने वचन पर कायम रहना चाहिए, मगर ओज उन सब पर गुस्सा होते हुए उन्हें बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी टोटो थोड़ी दूर जाकर एक पर्दा हटा देता है। फिर हम देखते हैं कि ओज असल में कोई जादूगर नहीं बल्कि एक आम इंसान है जिसके पास एक मशीन है और उसी के जरिए वह लोगों को पागल बनाता है। डोरथी और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो रिवील करता है कि वह कोई जादूगर नहीं बल्कि वह जादूगरों में सबसे कमजोर है। ये सुनने के बाद वह चारों पूरी तरीके से टूट जाते हैं क्योंकि अब किसी की भी विश पूरी नहीं होगी। लेकिन फिर ओज उस स्कैरक्रो से कहता है कि इस पूरी कहानी में तुमसे ज्यादा दिमागदार कोई नहीं था। अगर तुम में कोई कमी है तो वो बस एक डिप्लोमा की है, और ऐसा कहकर वह उसे एक डिप्लोमा दे देता है। फिर ओज लायन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैंने कई सारे क्रीचर को देखा मगर तुमसे बहादुर नहीं देखा। ऐसा कहकर वह उसे बहादुरी का मेडल दे देता है और फिर टिन मैन की तरफ बढ़ते हुए उसे एक हार्ट शेप की टिकटिक घड़ी दे देता है। अब इससे उन तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब डोरथी अपने बारे में पूछती है तो ओज बताता है कि वह हॉट एयर बैलून के पास पहुंचकर उसे उसके शहर छोड़ देगा। अब इससे डोरथी भी खुश हो जाती है। मगर जब वे लोग हॉट एयर बैलून के पास पहुंचते हैं तो ओज सभी को धोखा देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर वहां पर एंजल ग्लिंडा आ जाती है। डोरथी ग्लिंडा से उसकी प्रॉब्लम बताती है तो ग्लिंडा कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे पास ही है। जो स्लीपर तुमने पहने हैं बस उसे दो बार झटको और तुम अपने शहर में वापस पहुंच जाओगी। ये सुनकर डोरथी खुश हो जाती है। मगर जब वह उन तीनों से विदाई ले रही होती है तो उसे रोना आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने स्लीपर झटकती है वो टोटो के साथ अपने बेड में होती है, जहाँ पर अंकल हेनरी, आंट एम और फार्म के वह तीनों वर्कर्स और प्रोफेसर मार्बल उसे देख रहे होते हैं। डोरथी उठकर चौंक जाती है और कहती है कि मैंने एक सपना देखा, वहाँ पर आप सभी लोग थे, यहाँ तक कि प्रोफेसर मार्बल भी ओस के रूप में, और वह सब शायद मुझे घर भेजना चाहते थे जहाँ मैं हूँ। ये सुनते ही बाकी सब हंसने लगते हैं। फिर डोरथी कहती है कि घर जैसी कोई जगह नहीं होती, और ऐसा कहते ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये मूवी 1939 में रिलीज हुई थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8 और 99% ये रोटेन टोमेटो पे फ्रेश है। साथ ही 92% मेटाक्रिटिक रेट, 86% लाइक बाय गूगल यूजर्स। होप है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।